नमस्ते मैम। नमस्ते भाई, आप कहाँ से आ रहे हो सर? मैम, मैं यहीं जोधपुर का रहने वाला हूँ और आपके वीडियो देखे हैं मैंने यूट्यूब पे और आपके बारे में कई डॉक्टर से सुना भी है, तो मैं आज आपसे मिलने आया हूँ मैम। मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ सही गलत के परामर्श लेने दें, तो मैम आज आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो आपको मेरे पे इतना आत्मविश्वास कैसे आया कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूँ? मैम, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, चाहे वो समय के हिसाब से हो रहा हो चाहे कुछ और, तो वो आप मेरे को सही से समझा सकेंगी क्या? मैंने आपके YouTube पे जब वीडियो देखे थे तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि शायद आप मेरे सारे सॉल्यूशन बता सकें, तो इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया। तो अभी आप क्या कर रहे हैं बेटा, आपका इंट्रोडक्शन कुछ चाहिए? मैम, मेरा नाम मनीष है, मैं देहरादून से बीटेक कर रहा हूँ, मैं पेट्रोलियम में बीटेक कर रहा हूँ। मैम, मैम समस्या एक्चुअली चाहे आप घर वालों से देखें चाहे आस पास के व्यक्तियों से देखें, वो सब कहीं ना कहीं कोसते हुए दिखते हैं कि तेरे अंदर ये फॉल्ट है, तेरे अंदर ये चीज है, तो ये चीज सही नहीं कर रहा, जबकि मैं करना कुछ अच्छा चाहता हूँ और उसका रिजल्ट कुछ गलत निकल रहा है, इस कारण से मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो अभी आप जोधपुर में हैं या देहरादून में? मैम, अभी मैं जोधपुर ही हूँ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरे को वहाँ से वापस यहाँ पे जोधपुर लेकर के आ गए थे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि पेरेंट्स यहाँ लेकर आ गए? मतलब बीटेक आपका पूरा नहीं हुआ है? मैम, अभी मेरा बीटेक पूरा नहीं हुआ है और सोच रहा हूँ कि ये बीटेक शायद पूरा हो जाए, असमंजस। कितने टाइम, कौन सा सेमेस्टर है? मैम, अभी मेरा फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, और टाइम कितना हो गया? मैम, मेरे को 4 साल तो बीटेक स्टार्ट करे हुए हो गया है, करीबन ये मेरी 7 साल की बीटेक की थी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 7 साल बीटेक होगा? मैम, 7 साल का बीटेक अब हो जाएगा मैम, 2 साल मेरे खराब हो रखे हैं। अच्छा, वजह से कि मैम वो फिफ्थ सेमेस्टर को छोड़े हुए आपके 2 साल हो गए। जी मैम। तो बेटा 2 साल पेरेंट्स को भी चिंता हो रही होगी, 2 साल से आप जोधपुर में ही हैं? जी मैम, बिल्कुल, मैं 2 साल से जोधपुर। तो आप मुझे बताएंगे कि पेरेंट्स आपको क्यों लेकर आए वहाँ से? मैम, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। एक्चुअली मैं देहरादून था तो करीबन 3-4 दिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रह गया था, मैं अपने घर वालों से सही कम्युनिकेशन कर नहीं पाया था। वहाँ मेरे पेरेंट्स आए थे, मेरे पापा वहाँ पर आए थे और वो मेरे को पूरे मार्केट में ढूंढ रहे थे लेकिन मैं कहीं उनको मिला नहीं था, और फिर ऐसा हुआ कि वो मेरे को कहीं किसी पॉइंट पे दिखे भी थे लेकिन मैं ये सोच के रह गया मैंने कहा पापा थोड़ी होंगे, और थोड़ी देर में जब मैं अपने कमरे गया तो मेरे पापा मेरे कमरे पे ही बैठे थे और मेरे को कम से कम 10 मिनट तो मैम ये लगा कि मैम ये मेरे पेरेंट्स नहीं होंगे, पापा यहाँ कैसे आ गए एकदम से। और वो दिन था मैम, उस वक्त थोड़ा तो मैं भी हाई था जिस कारण मैं भी अपने आप को सही जज कर नहीं पा रहा था, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था मुझे खुद को। आपको पापा मिले थे और आपको ऐसे लग रहा था कि वो आपके पापा नहीं है या पापा देहरादून में हो नहीं सकते? हाँ, मेरे को ये लग रहा था कि वो वहाँ हो नहीं सकते। ऐसा क्यों लग रहा था आपको? मैम, अब इस चीज का थे तो वो पापा ही, जैसे मैं उस वक्त गलत था लेकिन मेरे को उस टाइम पे यही फील हो रहा था कि वो मेरे पापा। अच्छा, तो इसी इंसिडेंट के कारण वो आपको घर? हाँ, उस टाइम पे मेरे पापा को ऐसा हर्ट हुआ कि ये कहीं बहुत ज्यादा गलत कहीं कुछ तो नहीं हो रहा है इसके साथ में, तो वो मेरे को वापस यहाँ जोधपुर लेकर जाते हैं। इनको लगा होगा कि शॉक रह गए होंगे कि कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा शॉक थे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या क्या बात है? जी जी जी, बिल्कुल, उनको तो वो ऐसा लगा। तो फिर यहाँ लाकर आपने उनका क्लेरिफिकेशन करना था, अभी यहाँ क्या कर रहे होंगे आप? मैम, कुछ नहीं कर रहे मैम, बस अपने घर में सो रहे हैं, टाइम मिलता है स्टडी कर लेते हैं और फ्रेंड्स से मिल लेते हैं, अपना फ्रेंड जोन में बैठे रहते हैं मैम, और कुछ नहीं। तो पापा आपको वापस देहरादून छोड़कर नहीं आना? मेरे पेरेंट्स वापस नहीं चाहते कि मैं देहरादून जाऊं और ना वो मेरे पे इतना विश्वास दिखा पा रहे हैं और ना मैं उनका विश्वास ढंग से जीत पा रहा। तो ऐसा क्यों है? क्या आप पढ़ रहे हैं अभी इन दिनों में? फिर क्या एग्जाम देने की तैयारी हो रही है आपकी? मैम, अब बीटेक मेरी अधूरी अटकी हुई है तो उसी में लटका हूँ मैम, ज़्यादा पढ़ाई अभी नहीं हो पा रही है। आपका रूटीन क्या है? मैम, मैं करीबन 11 बजे उठता हूँ जी, और उठते ही मतलब पेरेंट्स गालियाँ देने लग जाते हैं कि ये कोई टाइम उठने का, और
कुछ भी है मैम ना, हमारे पास सुबह उठने का कोई कारण नहीं होता है, इसलिए हम 11 बजे उठते हैं, लेकिन उसके लिए भी गालियाँ खाते हैं। फिर मैम करीबन 2-2.5 बजे तक खाना खाते हैं, फिर 2.5 बजे खाना खाने के बाद मैम सो जाता हूँ, फिर उठ करके बाहर अपने फ्रेंड से मिलने निकल जाता हूँ। रात को मैम करीबन 11:30-12 बजे से पहले आ जाते हैं। रात का खाने का क्या होता है मैम? घर पहुंचते हैं आधा अधूरा तो मैम फ्रेंड्स के साथ भी खा लेते हैं, और कुछ खाना घर जा करके फिर मम्मी खिलाई देती है। तो फिर रात को पढ़ाई करते हो या सो जाते हो? मैम घर जाते ही सो जाते हैं, ऐसा कोई सीजन वगैरह देखते हैं, टीवी देखते हैं मैम, बस सो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपका अभी लाइफ का एम क्या है? मैम मेरा लाइफ का एम है एक अच्छा पेट्रोलियम इंजीनियर बनना, उससे एक अच्छा आदमी बनना। अगर हम अपने समाज के लिए किसी अच्छे कार्य के लिए कोई कार्य कर सके हैं तो मैम वो उस लाइन पे जाना चाहूँगा मैम। तो आप कितना समय दे रहे हो अपने इस लक्ष्य को, किस तरह से दे रहे हो? मैम लक्ष्य तो अभी बहुत दूर है मैम, लक्ष्य का तो आता पता ही नहीं है, पहले खुद को संभाल सके। सही बात है बेटा, आप समझ तो सही रहे हो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो लाइफ में। मेरे को ये बताओ ऑनेस्टली कि आप पिछले कितने दिनों से दिन में कम से कम 4-5 घंटे या 3-4 घंटे तो पढ़ाई को दिए हो, ऐसा कब हुआ? मैम लास्ट 1-1.5 साल से मुझे याद नहीं थी। 1-1.5 साल से याद नहीं आपको बेटा, और फिर आप सोच रहे हो कि आपका बीटेक कंप्लीट हो जाए, 1.5 साल से आपने पढ़ाई नहीं करी और आप घर पे पेरेंट्स के पास हो, तो पेरेंट्स का गुस्सा करना तो वैसे तो वाजिब बनता है, लेकिन आप सोच रहे हो कि आप कर लोगे ये सब? जी मैम, मैं को अपने आप पे तो कैसे कर लेंगे प्लानिंग में? आपकी शेड्यूल मेरे को जो आपने अभी बताई कि दिन का रूटीन मेरा जिस तरह से है, तो आप एक बात बताओ, दोस्तों के पास बैठते हो तो क्या करते हो, क्या प्लानिंग करते हो या क्या आप लोगों के बीच का डिस्कशन रहता है? मैम हम अपने नॉर्मल जो आसपास की नॉलेज होती है वही एक दूसरे से शेयर करते हैं, कोई भी फोन की नॉलेज होती है चाहे जो भी है, तो देश दुनिया सारी बातें करते रहते हैं। अच्छा जी, आप नहाते कितने दिन में हो? कुछ ओड क्वेश्चंस लगेंगे आपको, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप ऑनेस्टली उनका जवाब दें। जी मैम, नहाने का तो ऐसा है ना मैम, जब इच्छा होती है तब नहाते हैं, ठीक है, फिर भी करीबन 1-2 दिन में नहाता हूँ मैम, मैं जल्दी नहीं नहाता, रोज नहीं नहाता। अच्छा जी मैम, और रात को डेली 12 बजे से पहले आ जाते हो या कभी कभी 2-3 भी बज जाती है? मैम डेली तो नहीं लेकिन मोस्टली 12 बजे से पहले आ जाते हैं। जी अच्छा, और बाहर जो दोस्तों के साथ बैठते हो तो कुछ चलता ही आजकल के कल्चर के हिसाब से, खाना पीना बियर वियर? मैम अब कल्चर में मैम बियर तो इन्वॉल्व है ही है, स्मोकिंग मैम करते हैं। अच्छा, बस अच्छा। यही है मैम। तो आप ये बताओ कि आप स्मोकिंग कितने टाइम से कर रहे हो? स्मोकिंग मैम मैं कर रहा हूँ 6 साल से। 6 साल से स्मोकिंग कर रहे हो, तो स्मोकिंग में सिर्फ टोबैको स्मोकिंग करते हैं या कुछ और भी लेते हैं? बी ऑनेस्ट टू मी प्लीज। मैम मैरिजुआना यूज लेते हैं, ठीक है मैम, एक ये भी बहुत कॉमन चीज है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैम आज कॉलेज में मोस्टली मैरिजुआना यूज लेते हैं। तो मैम कैसे शुरू हुआ? मैम ये कॉलेज का कल्चर है मैम, आज के टाइम पे मोस्टली फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड जोन में सब स्मोक करते हैं मैम। इसमें कोई ऑड बात आपको नहीं लगती? मैम मेरे को बिल्कुल भी ऑड बात नहीं लगती इसमें कुछ। तो इसके कोई बेनिफिट्स हैं? मैम बिल्कुल, इसको करने से हमें कम गुस्सा आता है, हम अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, हमारा टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है। अब एक जॉइंट फूक के हम आराम से कम एक मूवी पूरी अच्छे से देख सकते हैं, हमें अच्छी लगती है और नींद अच्छी आती है मैम, अच्छी स्लीप होती है, गुस्सा भी कम आता है ना? गुस्सा मैम बिल्कुल, अगर अपन दूसरे किसी चीज में जाए मैम, बियर पी करके बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है दारू में, लेकिन उसी जगह अगर अपन इसमें जाए तो मैम ऐसा कुछ है नहीं, शांत पी करके मैम शांत बैठा रहता है इंसान। तो जैसे आजकल आप एक बात बोल रहे थे कि जैसे घर पे आप 11-12 बजे उठते हो और पेरेंट्स आप पे गुस्सा हो जाते हैं, उठते ही वो बोलते हैं कि क्या है ये, कोई सोने का उठने का टाइम है क्या, और उठे भी नहीं, डेली रूटीन भी आपका नहीं किया, और फिर आप खाने के टाइम जो वो लोग खाना खा चुके हैं उस टाइम आप कहते हो कि अभी तो मैं उठा हूँ, उठने का टाइम है, अभी तो क्या नाश्ता पूछ रहे हैं, नाश्ता आके कर लूँगा, ऐसा ही कुछ होता होगा? बिल्कुल। तो फिर आपको उस टाइम गुस्सा आता है?
मैम गुस्सा तो आता ही है मैम, उठती कौन खाना खाता है मैम। सही बात है जी। तो उस गुस्से को शांत करने के लिए फिर आप क्या करते हैं? आप तो अभी अभी कह रहे थे कि आप तो बड़ा पीसफुल रहते हो। मैम वो तो मैम हम लोग उस टाइम पे कहीं बाहर चले जाते हैं अपने फ्रेंड जोन में, जहाँ पे हम लोग सही रह सकें, और बस वही फ्रेंड्स के साथ वापस अपना एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर फ्रेंड्स के पास जाके ये जी अगर स्मोक का है तो मैम हाँ ये मेरे रूटीन में है कि मैं डेली स्मोक करता हूँ, ठीक है। और जब यहाँ तो अभी फिर भी मैम ऐसा नहीं है, लेकिन जब कॉलेज था तब तो बैठे ही रहते थे मैम, स्मोक ही करते रहते थे, कहीं जाना आना था नहीं, बैठे रहते थे। अच्छा, तो फिर उसमें घंटों निकल जाते होंगे, आपको पता नहीं चलता होगा। जी बिल्कुल मैम, यही चाहते हैं हम लोग ने कि हमारे घंटे निकल जाए, हमें पता ही नहीं चले, हम बैठे हैं बस। जब ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही बेटा कि घंटों निकल जाए, हम यही चाहते हैं। मुझे एक बात थोड़ा सा प्यार से ऑनेस्टली बताओ, जीवन क्या बिताने के लिए है या जीवन जीने के लिए? जीवन जीने के लिए है। और जीवन जीना किसको कहेंगे हम? इस तरह टाइम पास करना है इसको जीवन जीना कहेंगे, या फिर उसको फ्रूटफुली कुछ ऐसा यूटिलाइज करें? जैसे आपने कहा आपका एम है बीटेक करना, तो बीटेक तो तब होगा जब आप पढ़ाई करेंगे, और इसको लेके आप घंटों बिता देते हैं फ्रेंड्स के साथ, और फिर फ्रेंड्स के साथ बिता के आप जब घर लौटते हैं फिर वही आपको खाना खाना होता है, और फिर नींद आती है, थकान हो जाती है, और फिर वापस डिमांड पैदा होती है। इस तरह से रूटीन चल रहा है, तो ये रूटीन से आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी आपको फियर भी लगता हो जब आप इससे दूर होते, मतलब गैप ज़्यादा हो जाता है दो डोजेस के बीच में, इंटरवल बड़ा हो जाए, तो आपको सच बताना कभी कभी घबराहट होती है? जी मैम बिल्कुल, घबराहट भी होती है, कैरियर के लिए डर भी लगता है मैम कि अब आगे क्या होगा, पढ़ाई लाइफ के अंदर समय आगे क्या खराब करेंगे? हो गया है मेरा, बिल्कुल पढ़ नहीं पाया हूँ तो भविष्य कैसे बनेगा? बिल्कुल मैम, घर बैठे रहते ऐसे हैं तो इस इंटरवल में जरूर ये भी कभी कभी ख्याल आता होगा, सच बताना कि पेरेंट्स ठीक बोल रहे हैं, ऐसा लगता होगा कि पेरेंट्स भी ठीक ही कह रहे हैं, मेरा समय तो खराब हो रहा है। बिल्कुल मैम, पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं, वो गलत नहीं कह सकते मैम। तो जब ये डर लगता है आपको, तो इस डर को मिटाने के लिए आप क्या करते हैं? मैम हमारा वही रूटीन है, हम लोगों ने स्मोक करा, हमारा वापस दिन वापस अच्छा है, ठीक है, हम अपने आप में वापस घुस जाते हैं, हमें दूसरों से मतलब नहीं है, हम अपने आप से राजी हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है आपको कि विशेष जैसे कुछ लोगों से मिल रहे हो, या हाई जैसे कुछ हाई फील करते हो, अपने प्लान्स भी बड़े हाई होते हैं, और कुछ हेलुसिनेशन या डिल्यूजन जैसी बातें भी हो रही है आपके साथ? हाँ मैम होती हैं, हेलुसिनेशन भी होती हैं, हमारे ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा आई है, वैसा लगता है कि भाई दूसरों से तो बहुत ज़्यादा अच्छे विचार है मेरे, आइडिया बहुत अच्छा। जी मैम बिल्कुल, बस वो इम्प्लीमेंट करने की देरी है, और तब तो आप कुछ कर डालोगे। जी मैम बिल्कुल। अच्छा अब लास्ट में एक बात पूछती हूँ मैं, क्या आपको थोड़ा सा 10-20% भी लगता है कि जब आपके फादर आपको देहरादून लेने आए थे तो आप हाई होने के कारण उस वक्त ये विश्वास नहीं कर पाए कि आपके पापा आपको लेने आए, क्या ये सच हो सकता है? जी मैम बिल्कुल, उस दिन मेरे को नहीं लगा था, लेकिन अगर मैं इतने अंतराल बाद सोचूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे को उन्होंने किस हालत में देखा था, और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को ऐसे अंधेरी नगरी के अंदर छोड़ के आ जाए, तो उस वक्त वो मेरे को लेकर के आ गए थे, लेकिन करीबन 5-6 महीने हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़े हैं, ठीक है, हमारा घर का माहौल खराब था, और खराब तो अभी भी है। जी मैम बिल्कुल, अभी भी खराब है, कहीं ना कहीं अभी भी खराब है, पूरा कहीं कहीं सॉल्व नहीं हो रखा। तो मैं आपसे ये एक चाहूंगी कि क्या आप सचमुच अपने आसपास का वातावरण बदलना चाहते हैं? जी बिल्कुल मैम, इस डिटर्मिनेशन के साथ आप मेरे पास आए हैं ना? जी बिल्कुल मैम, तो आपको मुझे पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे साथ जो मैं बताऊंगी उस डिस्कशन को पूरा एक्सप्लोर करना होगा अपने आप को, क्योंकि जीवन में क्या होता है, कुछ समस्याएं होती है ना, उनके कारण होते हैं, और जब तक हम कारण को नहीं समझे तो हम उसका निवारण नहीं कर सकते। तो कारण का निवारण करने के लिए हमें कुछ और एक्सप्लोरेशन नेक्स्ट टाइम करते हैं, अभी थोड़ा और सिटिंग करेंगे, आज काफ़ी समय हो गया है, और लेकिन आप ये डिटर्मिनेशन रखेंगे
कि जो कुछ आप मुझे बताएंगे वो ऑनेस्टली बताएंगे, और जो कुछ मैं आपको कुछ काउंसलिंग करूं या कंसल्टेशन करूं तो आप उसे दिल से स्वीकार करके उसको उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ऐसा करने का इरादा है तो अपन सेकंड मीटिंग रखें। जी मैम, बिल्कुल मैम। श्योर जी मैम, मेरे को भी अपने आप को इम्प्रूव करना है। ओके मनीष, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना समय निकाला, आप आए, हम जरूर सफल होंगे, कुछ न कुछ हम इस समस्या का हल निकाल लेंगे। ओके ओके।